नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी प्रकार के स्विच को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास तीन प्रकार के स्विच यहाँ पे रखा हुआ है। एक यहाँ पे माइक्रो स्विच भी है, और इस प्रकार के स्विच जब खराब हो जाते हैं तो इसमें स्पष्ट पता नहीं चल पाता है, ये अंदर से कार्बन लगने के कारण से खराब हो जाती है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। तो चलिए, मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेना है। डिजिटल मल्टीमीटर को बीप की रेंज पर बोल सकते हैं, या तो कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेना है। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को जब स्विच के दोनों टर्मिनल पर इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर स्विच ऑन करते हैं और बीप की आवाज़ आती है या कंटिन्यूटी की आवाज़ आती है तो ये हमारा स्विच सही होगा, और बीप की आवाज़ नहीं आती तो स्विच हमारा ख़राब होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्विच अभी ऑफ में कंडीशन में है। अब स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की आवाज़ आनी चाहिए। देख सकते हैं, कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब स्विच हमारा बिल्कुल सही है। स्विच को ऑफ करेंगे तो ये देख सकते हैं बीप की आवाज़ बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये स्विच हमारा सही होगा। इस तरीके से दूसरे स्विच को यहाँ पे चेक करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये स्विच हमारा सही है। अब स्विच को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूटी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, और स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप स्विच को बहुत ही आसानी से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब तीसरे स्विच को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चार टर्मिनल इस स्विच में दिए हुए हैं, और इन दोनों टर्मिनल पर इस तरीके से मल्टीमीटर की प्रोब को टच करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर स्विच को पुश करेंगे यानी दबाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए इस तरीके से। देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आवाज़ नहीं आ रही। अब इस बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही इसको छोड़ देते हैं तो ये कंटिन्यूटी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्विच हमारा वर्क करता है। जैसे ही आप इस तरीके से पुश करेंगे यानी इसको दबाएंगे तो ये हमारा ऑन हो जाता है, और जैसे छोड़ देंगे ये हमारा ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्विच वर्क करता है। और इस प्रकार के स्विच को भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।